कुछ दिनों पहले की बात है, बॉलीवुड एक्ट्रेस सुष्मिता मंदाना का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिस वीडियो में वो लिफ्ट से बाहर आ रही थी। हालांकि ये वीडियो फेक था। उसके अलावा बॉलीवुड एक्ट्रेस काजल का भी एक वीडियो आया है। सारा तेंदुलकर, शुभमन गिल, इनके भी फोटोज कुछ वायरल हुए। ये बात यहाँ तक नहीं रुकी, नरेंद्र मोदी जी के डांस के और गाना गाने के भी वीडियो वायरल हुए। मैंने अभी एक वीडियो देखा जिसमें मैं गरबे गा रहा हूँ और मैं खुद भी देख रहा हूँ, क्या बढ़िया बना है। ये सब वीडियोस का उनके साथ कुछ भी ताल्लुक नहीं है, ये सब वीडियोस फेक है। डीप फेक क्या कर सकता है और कितना बड़ा संकट पैदा कर सकता है? तो क्या है ये डीप फेक टेक्नोलॉजी, चलिए देखते हैं इस वीडियो में। AI is far more dangerous than nukes. I think the danger of AI is much greater than the danger of nuclear warheads. डीपफेक टेक्नोलॉजी का नाम पहली बार 2017 में सुना गया था। डीपफेक ये वर्ड दो वर्ड मिलाकर बनता है, डीप एंड फेक। डीप यानी डीप लर्निंग एंड फेक। डीपफेक टेक्नोलॉजी किसी भी फोटो या वीडियो को मैनिपुलेट कर सकती है। ये इतना एक्यूरेटली मैनिपुलेट कर देती है कि कौन सा वीडियो फेक है, कौन सा वीडियो रियल है, पता नहीं चलता है। लाइक फोटोशॉप में हम किसी के फोटो पर किसी दूसरे का फोटो लगा देते हैं, एग्जैक्टली सेम थिंग ये वीडियो में होती है। जैसे हमने रश्मिका मंदाना का वीडियो देखा, वो इतना रियलिस्टिक था कि लोगों को लगा कि ये रियल वीडियो है। उसके ऊपर काफी कमेंट्स आए, उसकी वजह से बहुत सारी बहस हुई। इसके पहले भी हमने कुछ वीडियोस देखे थे, जैसे हमने डोनाल्ड ट्रंप का वो वीडियो देखा था जिसमें पता चल जाता था कि वो वीडियो फेक है। लेकिन डे बाय डे AI ने इतनी सारी इंप्रूवमेंट कर ली है कि पता नहीं चलता है कौन सी वीडियो रियल है, कौन सी वीडियो फेक है। उसके बाद सारा तेंदुलकर और शुभमन गिल के फोटोज भी वायरल हुए। हालांकि सारा के सारे फोटोज सारा के सारे फोटोज उनके भाई अर्जुन तेंदुलकर के साथ थे, लेकिन उनकी जगह पर शुभमन गिल के फोटो चिपकाए गए। कुछ समय पहले की बात है, रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा था। वॉर के टाइम यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की का एक वीडियो वायरल आया था। Українці, шановні захисники, бути президентом виявилося не так вже й легко. Я змушений приймати складні рішення. वो वीडियो में ज़ेलेंस्की अपने लोगों को कहते हैं हथियार डालकर वापस घर आ जाओ, लेकिन ये वीडियो पूरा फेक था। लेकिन ये वीडियो इतना रियलिस्टिक था कि लोगों को लगा ये वॉर अभी खत्म हो जाएगा, लेकिन वो वॉर अब तक चल रहा है। इस टेक्नोलॉजी में एक बेहतरीन चीज है, वो है फेशियल रिकॉग्निशन। जैसे आप स्नैपचैट में फेस पर फिल्टर लगा देते हो और आपके एक्सप्रेशन चेंज होते हैं, लेकिन ये डीपफेक टेक्नोलॉजी काफी रियलिस्टिक है। तो डीपफेक क्या क्या कर सकता है? डीपफेक टेक्नोलॉजी में आप किसी का फेस स्वाइप कर सकते हो, किसी के फेशियल एक्सप्रेशन चेंज कर सकते हो, किसी की आवाज़ में आप बात कर सकते हो, इसके अलावा किसी का जेंडर चेंज कर सकते हो, और सबसे खतरनाक चीज़ जो कोई आदमी इस दुनिया में एग्जिस्ट भी नहीं करता है उसकी भी शक्ल AI बना सकता है। तो डीपफेक बनाने के लिए कुछ स्पेशल कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाता है जिसमें पैटर्न्स रिकॉग्नाइज हो। अगर किसी का आपको डीपफेक बनाना रहेगा तो उसके हंड्रेड्स और थाउजेंड्स में आपको इमेजेस लगेंगे, उसके बाद ही आप उसका डीपफेक बना सकते हो। इसलिए सोशल मीडिया पर बॉलीवुड स्टार्स की ज़्यादा फोटोज रहते हैं, इसलिए उनको मेनली टारगेट किया जाता है। आप स्नैपचैट में फोटो खींचते हो तो आपके एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, एग्जैक्टली वही थिंग डीपफेक आपको करके देता है। डीपफेक इतना रियलिस्टिक आउटपुट देता है कि किसी भी आम इंसान को पता चलना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा वीडियो रियल है, कौन सा वीडियो फेक है। तो डीपफेक का कुछ अच्छा इस्तेमाल भी किया जा सकता है। जैसे डीपफेक की मदद से अगर कोई मूवी की शूटिंग हो रही हो, कोई एक्टर अवेलेबल नहीं हो पाए, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, तो उस टाइम पर हम डीपफेक टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं। किसी क्लोथिंग स्टोर पर आप ड्रेस चेंज करने के लिए वर्चुअल रियलिटी का यूज़ कर सकते हो। ऐसे अच्छे भी यूज़ हो सकते हैं। सोशल मीडिया पर जो आपको हर चीज़ दिखती है वो रियल नहीं होती, इसीलिए किसी भी चीज़ पर बिलीव मत करिए। तो चलो आपको कुछ टेक्निक्स बताता हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा कौन सा वीडियो रियल है, कौन सा वीडियो फेक है। नॉर्मल इंसान एक मिनट में 12 से 13 बार अपने आइज ब्लिंक करता है। अगर आपको कोई अननेचुरल आइज ब्लिंक लगा तो समझ जाना ये वीडियो फेक है। अगर कोई इंसान बात करते वक्त उसकी शक्ल इधर या फिर उधर होती ही रहती है, तो उसके साथ उसके नाक की या फिर कानों की डायरेक्शन एग्जैक्ट सेम में होती है या नहीं, कोई अननेचुरल आपको दिख जाए तो समझ जाना कि ये वीडियो फेक है। आजकल AI ऐसे फेस भी क्रिएट कर सकता है जो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते। इसे मोस्टली यूज यूट्यूब पे किया जाता है, जहाँ पर वो वीडियोस बनाने के लिए अपना फेस की जगह पर ऐसे AI के क्रिएटेड फेस यूज करते हैं। डीपफेक टेक्नोलॉजी काफ़ी डेंजरस है, या आगे चल के इंडिया को ही नहीं अदर कंट्रीज को भी आगे चलकर एक चुनौती बन सकती है। तो देखते हैं सरकार इस पर क्या कार्रवाई करते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।